आप देख सकते हैं मुझे आज इंडिया की सबसे जो बड़ी गाड़ी के लिस्ट में आता है जो एक्सल वोल्वो ट्रक, इसको ट्रक क्या अगर रोड का ट्रेन बोले तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वही मेरे सामने आ जाए और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये कितनी लंबी गाड़ी है। हालांकि अभी ये जो रनिंग रोड है पूरा रोड चल रहा है, इसलिए थोड़ा बच बचा के वीडियो बनाना है। अगर मैंने इसकी बात करें तो ये पूरा गाड़ी नहीं है, ये अभी आधा गाड़ी है जो दो माल लोड है, एक इधर है और एक इधर। लेकिन अगर ये जुड़ेगी तो कोई ट्रेन से कम नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों साथ में अगर एक साथ अगर चले जुड़ करके, क्योंकि अभी अलग अलग किया गया है यहाँ पर, और ये डेढ़ महीना से आ रहा है। डेढ़ महीना से अभी तक 350 किलोमीटर का दूरी सफ़र हुआ है। और उधर देख सकते हैं तो एक गेट है जो टूल गेट होता है, उसी के लिए गाड़ी खड़ी है, क्योंकि पार नहीं हो पाएगा। इसका हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए पार नहीं हो पाएगा, तो ये गाड़ी खड़ी है। डेढ़ महीने में मात्र 350 किलोमीटर का ये सफ़र किया है गाड़ी, और इसमें 15 लोग का टीम है जो 15 लोग इसमें काम करते हैं। इधर टायर भी टूटा हुआ है, देख सकते हैं इधर ये एक्सल टूट गया है, यहाँ से निकल चुका है, देखिए एक एक्सल निकल चुका है। हालांकि एक एक्सल टूटने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का टायर था जो निकल चुका है, वहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे लगता है जो गोल चक्री जैसा आप दिख रहे हैं, तो एक टायर से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी रुकेगी नहीं। लेकिन इसकी बात करें तो दोनों का मिला के 400 टायर होंगे करीब, आसपास 400 के आसपास, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ी है। जो ट्रक एक नॉर्मल ट्रक होता है वो 10 टायर 12 टायर 16 टायर 18 टायर का होता है, लेकिन यहाँ तो 400 टायर है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ी होगी। आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, 200 फीट करीब लंबाई है इसका, और कहीं इसका भाड़ा बोला जाए तो लाखों लाखों का भाड़ा है, और इसका करोड़ की लागत में लग के बनता है। क्योंकि रनिंग रोड है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।